अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन में आज हम देखेंगे किस तरीके से हमने फाइल को अपलोड करना है विद द हेल्प ऑफ फाइल जीला। फाइल जीला एक आपका एफटीपी फाइल अपलोडर है। एफटीपी, पहले दिन में बात आपसे की है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप यहाँ पे आएंगे फाइल में, साइट मैनेजर पे, यहाँ पे एक न्यू साइट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं न्यू साइट बना रहा हूँ और इसका नाम मैंने जर्मनी ऑनलाइन। यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझनी है, ये न्यू साइट बनाते हुए एक चीज है होस्ट, एक है पोर्ट, प्रोटोकॉल, इंक्रिप्शन, लॉगिन टाइप, यूजर एंड पासवर्ड। जो होस्ट है, जब आपको एक सर्वर कंपनी आपको जगह देगी तो वो आपको बताएगी कि आपका होस्ट कौन सा है। ये देखें यहाँ पे ईमेल इंफॉर्मेशन है और साथ में एफटीपी इंफॉर्मेशन। ये जो आपको एफटीपी एक्सेस यूआरएल दिया जा रहा है, यही आपका होस्ट है। आप इसको फाइल जीला के अंदर यहां पे प्लेस कर दें। पोर्ट, वो कम्युनिकेशन पोर्ट, आप लोगों ने अगर नेटवर्क, डाटा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पढ़ा तो वो जो पोर्ट्स के बारे में डिफरेंट बातें की जाती हैं वो यहां पे इंप्लीमेंट होती है। और इसकी पोर्ट 21 भी होती है, लेकिन अगर आप ना भी दें तो इसकी पोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से यूजर नेम जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप यहाँ पे एनोनिमस की जगह पे नॉर्मल रखें। यहाँ पे आप यूजर नेम दें और देन आपका जो पासवर्ड आपको होस्टिंग कंपनी, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू कि आप इसको चेंज कर दें। ये एक है। अब आते हैं प्रोटोकॉल। मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट ने प्रोटोकॉल के हवाले से भी दिया, उसको ये बहुत वाजे करके बताना होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसमें SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP, SSH, L फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और वो प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं, अब यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस कनेक्टिंग रिजॉल्विंग इशू, आप ऊपर देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट वैलिडेशन होगी, ये आपको कुछ डिटेल बता रहा है, वैलिडेट फ्रॉम टू, सीरियल नंबर, पब्लिशन की, सिग्नेचर एल्गोरिदम, फिंगरप्रिंट एंड कॉमन नेम, ईमेल, सर्टिफिकेट इश्यूअर, कॉमन नेम और ईमेल, और सेशन डिटेल्स, ftp.gmail, जर्मनी ऑन लिंक, प्रोटोकॉल TLSI1 और की एक्सचेंज, ये मैक इसका एड्रेस, देन इट ऑलवेज ट्रस्ट सर्टिफिकेट फॉर दिस फ्यूचर। आप इसको ओके कर दें, ये TLS सर्टिफिकेट करेगा, ये कनेक्शन रिट्राइविंग का है डायरेक्टली, और आपके कंप्यूटर की तमाम, ये इस वक्त जो मैं साइट पे खड़ा हूं, ये आपकी कौन सी वाली साइट है, ये आपकी रिमोट साइट है। इसका मतलब है कि वही जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर के अंदर आपको फाइल मैनेजर में लॉगिन करके सी पैनल में फिर फाइल मैनेजर में आपको अपलोड कर रहा था, मैं उस तक पहुंच गया। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, यू कैन सी दैट, लेकिन याद रखें कि आपने जिसके अंदर जमा फाइल फेंकनी है उसका नाम होता है पब्लिक HTML, पब्लिक _HTML। इस फोल्डर में आप रखेंगे इस बात को, जब आप इस फोल्डर में रखेंगे तो देन यू कैन सी दैट। अभी मैं आपको चला के दिखाऊं, मैंने क्योंकि पहली वाली फाइल डिलीट कर दी थी जर्मनी ऑनलाइन, तो इस टाइम पे ये वेबसाइट पे कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस आइडिया इंडेक्स ऑफ, इसका मतलब इसके ऊपर कोई पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप दोनों ना बाहर चले गए जी। ओके, इस टाइम पे हमारे पास आ चुका है फाइल जीला के थ्रू। अब ये साइट्स आ चुकी हैं, मुख्तलिफ हैं। अब आपने जहां पे अपनी फाइल्स रखी हुई हैं वो यहाँ पे आपके पास होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर में डाउनलोड्स कहाँ होते हैं, सी के अंदर होगा ना, ये सी, सी में, सी में कहाँ होते हैं, यूजर्स में होता है, आई थॉट सो, डेस्कटॉप पे होता है, डेस्कटॉप पे थोड़ी होता है, डाउनलोड्स कहाँ पड़ा होता है, सी ड्राइव, फिर यूजर आता है, फिर इसके अंदर, फिर डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, कंप्रेस, और ये एक असाइनमेंट जो अभी हमने अपलोड की थी, आपने इसको बस कॉपी करना है, उठा के इधर फेंक देना। आप देखेंगे ये क्यूब में फाइल्स है, एक फाइल है, एक ट्रांसफर है, तो
तमाम फाइल्स अपलोडेड, वन क्यू यहाँ जीते आपकी तमाम फाइल सक्सेसफुल आनी चाहिए। इफ द फाइल्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, इसका फायदा ये था कि आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी पड़ी, आपका पूरा फोल्डर था जितने भी इमेजेस थे वो सब उनको उसी तरीके से अपलोड कर देगा। अब हम जाके दोबारा देखते हैं कि जेमिनी और लिंक पे ये फाइल्स आ चुकी हैं कि नहीं आ चुकी। यू कैन सी दैट साइट वापस आ चुकी है। सो दोनों मेथड्स आप लोगों के पास हैं, आप उन मेथड में से कौन सा अडॉप्ट करते हैं कौन सा अडॉप्ट नहीं करते, इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।